आज बनाएंगे चना मसाला, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। यकीन मानिए, आपने चना मसाला तो बहुत बार बनाया होगा फ्रेंड्स, इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा और इतने टेस्टी भी नहीं बने होंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ अन्नपूर्णा रसोई में। इसके लिए देखिए, मैंने सभी सब्जी को कट करके रख लिया है, पहले से तैयारी कर ली है। और जो हमारे चने थे छोले वाले, उन्हें पूरी रात भिगो दिया था ओवरनाइट। उसके बाद में मैंने इन्हें उबाल लिया है कुकर में, नमक डाल के इसे अच्छे से 4 से 5 सीटी लगा के बिल्कुल सॉफ्ट होने तक इन्हें अच्छे से उबाल लिया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से एक एक चना अलग अलग है और बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं। और फ्रेंड्स, वही छोटी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देखिए, अब एक प्याज लिया, इसे मैं लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक लंबे लंबे पीस बनाए हैं, ज़्यादा मोटी मैंने इसे नहीं काटा है। और जो हरे धनिए के डंठल हैं, इन्हें भी बारीक बारीक कट कर लिया है, इन्हें भी ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। आधी शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, इसे लंबे लंबे टुकड़ों में कट किया है। और 2 टमाटर है मीडियम साइज के, इन्हें भी कट कर लिया। हरे धनिया पत्ती, ये भी बारीक कट करके रख लिए हैं। और देखिए, चने तो उबले हुए हैं ही हमारे, परफेक्ट। अब रखते हैं हम कढ़ाई। अब हमने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में हम मीडियम साइज की 1 चम्मच तेल डाल देंगे। इसमें जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें 1/2 चम्मच जीरा और हींग डाल देते हैं। और जब हीरा ही जीरा और हींग डाल देंगे, उसके बाद में जो कटी हुई हरी मिर्चा थोड़ी सी हमने तीखेपन के लिए अलग से रखी है वो डाल देंगे। अब हम प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा चलाते हैं, प्याज अच्छे से कलर चेंज कर देगी तो। और जो सब्जी है वो डालेंगे हम। जब अब डालते हैं हरे धनिए के डंठल जो बारीक बारीक कट किए हैं, जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जो हरी मिर्च अदरक है वो डाल देते हैं। और अब इसके बाद में हम शिमला मिर्च है वो भी डाल देंगे। अब जब अच्छे से शिमला मिर्च का भी कलर चेंज हो जाए, उसके बाद हम टमाटर डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक। नमक डालकर थोड़ी देर इसे हम चलाएंगे। इसके बाद थोड़े से मसाले और डालेंगे, अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो जिसमें और मसाले वो डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ही जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे हम गर्म मसाला। और अच्छे से कर देते हैं मिक्स। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आपने होटल ढाबा पर छोले चना मसाला खाए होंगे, वो इसी तरीके से बनाए, क्योंकि मैंने उनसे एक बार ये रेसिपी पूछी थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। देखिए, हमारे एकदम से परफेक्ट चना मसाला बनकर तैयार। अब इसमें 1 चम्मच अनारदाना और जो बारीक कटा हुआ हरा धनिया है वो डाल देते हैं। हरा धनिया बाद में इसलिए डालते हैं कि इसमें खुशबू अच्छी सी बनी रहे। अगर हम पहले डाल देंगे तो इसकी सारी खुशबू निकल जाएगी हरे धनिए की, और इसमें खुशबू नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो इसलिए स्मेल इसकी बनी रहे हरे धनिए की। देखिए, एकदम हमारी सब्जी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। देखिए, सब्जी बनकर तैयार है, आप भी बनाइए, खाइए। पूड़ी, पराठे और छोले कुलचे के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि मेरी बनाई हुई आपको सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।